नमस्कार, आप देख रहे हैं जे नाई न्यूज। जे नाई न्यूज में आप सबको स्वागत है। जनपद बाराबंकी क्षेत्र की सभी मस्जिदों में शुक्रवार जुम्मे की नमाज नमाजियों ने घरों में ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की। पूर्व भी अजान के दौरान मस्जिद के हाफिज व स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए घर पर नमाज पढ़ने की अपील की थी, जिसका नतीजा रहा कि शुक्रवार को इब्राहिमाबाद सराय हिजरा भानमऊ कस्बा झाबियापुर बक्साया मीरापुर जैदपुर सफदरगंज हैदरगढ़ उस्मानपुर झमियाबा सिद्दौर सहित आदि मस्जिदों में हाफिज अजान देने मस्जिद पहुँचे। मस्जिदों के हाफिज ने न बताया कि संक्रमित वायरस नोवल कोरोना को देखते हुए गुरुवार शुक्रवार की भोर अजान के समय लाउडस्पीकर से घरों में ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की गई। आइए देखते शेर बहादुर का एक रिपोर्ट। हमारा संदेश बनता है कि सब लोग सुरक्षित रहें, अमन चैन से रहें और भीड़ भाड़ इकट्ठा न करें। मस्जिद में नमाज सिर्फ 5 लोग जुमा की पढ़ेंगे, बाकी सब लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे। मेरा ये संदेश है जनता से कि जनता महामारी बीमारी से बचे और स्वस्थ रहे, ये मेरा कहना है। संदेश, मेरा नाम यावर मेहदी है, मैं सराय हिजरा का हूँ और मैं ये लॉकडाउन का उपयोग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मस्जिद में जो अजान का अनाउंसमेंट हो चुका है कि मस्जिद में सिर्फ अजान होगी, नमाज आप लोग सुबह की, जहर असर की या मगरिब की, ऐसा कि आप लोग अपने घर में पढ़ें। और ये जुमे की बात हुई, जुमे की अजान होगी मगर जुमा आप लोग घर में अपने पढ़िए, ये मेरा संदेश है। लॉकडाउन का उपयोग कर रहे हैं हम लोग। और ये मोदी जी ने जो कर रहे हैं, ये 14 दिन के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो 21 दिन के लिए बोला, अगर 21 दिन हम लोग नहीं मानेंगे तो 21 साल भारत चला जाएगा। ऐसे फिर भी भारत बहुत पीछे चल रहा है, अगर हम लोग मोदी जी का पाला नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। हमारा नाम जफर मेहदी है, सराय हिजरा में रहते हैं और हम यही चाहते हैं, 2 दिन पहले से सब लोगों को यही है कि नमाज जो है अपने अपने घर में लोग पढ़ रहे हैं और नमाज अजान जो है मस्जिद में होती है।